स्वागत है नया इंडिया टीवी के आज प्रोग्राम के पार्ट दो में। इसमें पर्दे के पीछे की बातों, राजनीति को बताने वाली गपशप है तो हल्ला प्राप्त मुद्दे का, मसले का खुलासा भी। सो सुने और पाए बेबाक बेधड़क जानकारी, वह सोचे कि क्या सही है और क्या गलत। पहले जाने सुने आज की गपशप। कांग्रेस और भाजपा दोनों के मोर्चे से अलग जो पार्टियां इस बार चुनाव लड़ रही हैं, उनको कितनी सीटें मिलेंगी, इस सवाल का जवाब उन पांच राज्यों से मिलेगा जहां की 185 लोकसभा सीटों में से ज्यादातर सीटें प्रादेशिक क्षत्रपों को जाने वाली है। वैसे देश की ज्यादातर छोटी और कई बड़ी पार्टियों ने कांग्रेस या भाजपा से तालमेल कर लिया और कुछ राज्यों में कांग्रेस भाजपा आमने सामने है। पर पांच राज्य ऐसे हैं जिनका किला क्षत्रपों ने संभाला है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा में प्रादेशिक पार्टियां बहुत मजबूत हैं और इन पांच राज्यों की ज्यादातर सीटें इनके खाते में जाएंगी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में की 42 लोकसभा सीटों में से एकाध सीटों को छोड़कर लगभग सारी सीटें वाईएसआर कांग्रेस, टीडीपी और टीआरएस को जानी है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ज्यादा भागदौड़ नहीं कर रहे हैं, पर यह तय है कि राज्य की 21 लोकसभा सीटों में से ज्यादातर उनकी पार्टी को मिलेगी। ऐसे ही उत्तर प्रदेश का होगा कि 80 में से 50 से ज्यादा सीटें गठबंधन को मिलने की संभावना है। इसी तरह पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी को ज्यादातर सीटें मिलेंगी। सो इन पांच राज्यों की 185 में से 150 से ज्यादा सीटें पांच क्षत्रपों के पास रहनी और तभी चुनाव के बाद सरकार बनाने में इनकी बड़ी भूमिका रहने वाली है। कांग्रेस पार्टी के नेता इस बार के चुनाव में सीटों के लिहाज से बहुत उम्मीद नहीं लगाए हुए हैं। कांग्रेस के कुछ फ्रीलांस समर्थकों को छोड़ दें तो पार्टी के बहुत कम नेता शतक लगाने की उम्मीद कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि 44 से 100 सीटों का आंकड़ा पार करना आसान नहीं होगा। कांग्रेस के एक जानकार नेता का कहना है कि 100 का आंकड़ा पार करने के लिए कम से कम एक ड्राइविंग स्टेट होना चाहिए, यानी एक ऐसा राज्य जहां से थोक में सीटें मिले, जैसे 2004 में कांग्रेस को 114 सीट तक पहुंचाने वाला ड्राइविंग राज्य आंध्र प्रदेश था। उस चुनाव में कांग्रेस को एकीकृत आंध्र प्रदेश की 42 में से 29 सीटें मिली थी। इस बार कोई ड्राइविंग स्टेट नहीं है। कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी पर उनका आंकड़ा हर राज्य में 2-4 सीटों का होगा। शायद ही कोई राज्य होगा जहां से कांग्रेस को दहाई में सीटें मिलेंगी। कांग्रेस अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ केरल में जरूर पिछली बार के 12 के आंकड़े को पार करेगी, पर उसमें कांग्रेस की अपनी सीट 10 या उससे कम ही रहेगी। कांग्रेस की उम्मीद के तीन राज्य हैं महाराष्ट्र, पंजाब और कर्नाटक, जहां वह दहाई में पहुंचने की उम्मीद कर रही है। तभी कांग्रेस के नेता किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चुनाव नतीजे के रोज यानी 23 मई को विपक्षी पार्टियों की बैठक बुलाई है। उन्होंने न सिर्फ यूपीए की अपनी सहयोगी पार्टियों को बुलाया है बल्कि ऐसे क्षत्रपों को भी बुलाया है जो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। सवाल है कि गैर यूपीए पार्टियों के नेता क्यों उनकी बैठक में शामिल होंगे, और वैसे भी इस बैठक का कोई भी मतलब तभी है जब त्रिशंकु लोकसभा बने और भाजपा की सीटों में बहुत कमी आए। सोनिया गांधी के बुलावे पर गैर यूपीए पार्टियों में से कुछ पार्टियों के नेता जरूर हिस्सा ले सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू लगातार प्रयास कर रहे हैं तो इसमें शामिल हो सकते हैं। ममता बनर्जी की पार्टी भी इसमें शामिल हो सकती है और यह भी संभव है कि समाजवादी पार्टी का कोई प्रतिनिधि यूपीए अध्यक्ष की बुलाई बैठक में शामिल हो। पर मायावती को लेकर अंदेशा है और तीन अन्य क्षत्रपों नवीन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी और के चंद्रशेखर राव के भी बैठक में हिस्सा लेने पर संशय है। हालांकि कांग्रेस के नेता मान रहे हैं कि अगर भाजपा 200 के नीचे रुकती है और कांग्रेस को 100 से ज्यादा सीटें आती है तो गेंद कांग्रेस के पाले में आ जाएगी और तब यूपीए 3 बनाने के लिए पार्टियां जुटेंगी। यूट्यूब पर नया इंडिया टीवी की इस चैनल पर सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वहाँ जो घंटी बनी हुई है उसे दबाएं ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले।